लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से चर्चा करते हुए कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए 1200 करोड़ रुपए की राहत पैकेज के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आरएनए एक्सट्रैक्शन किट प्रदेश को उपलब्ध कराने की मांग की है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना वायरस की बीमारी के उपचार में मदद मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे भी उपस्थित थे। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि चिरायु अस्पताल भोपाल में अब तक 600 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें से 250 से अधिक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अस्पताल में उपचार के दौरान एक भी मरीज कालकवलित नहीं हुआ है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ऑक्सीजन थेरेपी के उपचार से यह संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से एम्स और इंदौर में भी उपचार किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश में कोरोना संबंधी मृत्यु दर में भी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने आज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है। अभी तक 20,000 लोग जो अपने वाहन से आए थे मध्य प्रदेश में कोई तीर्थ के लिए या रिश्तेदारी में फंसे थे, वो सभी लोग, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे रेड जोन में हो, अगर वो मध्य प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं और स्वयं का वाहन है तो उनको कलेक्टर अनुमति देंगे। जो 20,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन है उनकी अनुमति जारी हो जाएगी, लेकिन जो स्वयं के वाहन से प्रदेश के बाहर फंसे हुए लगभग अनुमानित संख्या 50,000 के आसपास है, लेकिन अगर वो रेड जोन में है तो उन्हें छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, स्वयं के वाहन से मध्य प्रदेश के लोग हैं और बाहर से, उसको भी मध्य प्रदेश सरकार वहाँ के लिए अनुमति देगी। जो रेड जोन है, हॉट स्पॉट है, उसके बारे में भी एक दो दिन में बिंदु से जानकारी लेने के बाद सरकार तय करेगी। इसलिए वो लोग भी घबराए नहीं, चिंता नहीं है, पूरी की पूरी शिवराज सरकार साथ खड़ेगी। प्रदेश के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं वो रेड जिले छोड़कर, जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल जो रेड जिले हैं उनको छोड़कर कहीं भी आने जाने की अनुमति कलेक्टर देंगे। ग्रीन से ग्रीन जिले में तो स्वयं ही जा सकते हैं अनुमति के साथ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।